दोस्तों मैंने हेयर कलर टेक्निक पर बहुत सारे वीडियोस बनाए यहाँ और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस की लिंक भी जद दी है। आप चाहो तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने ऑम्ब्रे, ब्लाइज, फलाना, वीविंग वगैरह से बहुत सारे टेक्निक्स पे अलग अलग और ईजी मेथड से कैसे आपको कलर करना है वो उसमें बताया है। मुझे गारंटी है ये वीडियो देख के आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और ये वीडियोस आपके बहुत काम आ सकते हैं। और वैसे ही आज मैं आपको और एक नए टेक्निक बताने वाला हूँ, दैट इज बैक कॉमिंग टेक्निक। आज मैं आपको कैसे बैक कॉमिंग टेक्निक से कलर करना है और कैसे रूट्स को डार्क रखना है और लेंथ को लाइट रखना है, जिसे हम रूट शैडो टेक्निक भी कहते हैं, वो आज आप देखने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपको इसे सीखना या समझना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सैलून एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो नीचे कमेंट्स भी जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो या आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इवन आपके क्वेश्चंस भी है कुछ तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग वीडियो। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे मॉडल का एग्जिस्टिंग हेयर कलर का लुक, यानी इनके बालों में आप यहाँ से ध्यान से देखोगे इनके बालों में ऑलरेडी कलर किया हुआ, यानी इन्हें बालों में प्री लाइटनिंग करके कलर डिपॉजिट किया है और आज इसी बालों को हम मॉडिफाई करेंगे, यानी इस कलर को हम मॉडिफाई करके एक नया लुक देंगे। यहाँ दोस्तों पहले हम क्लाइंट के बालों में एग्जिस्टिंग हेयर कलर को डिपॉजिट करेंगे और हमने जो डिपॉजिट के लिए, जैसे हमने आपने पहले देखा होगा कि हमने आज डिपॉजिट के लिए जो कलर यूज़ किया है वो है वेला ब्रांड का 7x7। हमने ये 7x7 कलर लिया है और इसे हम बालों पर डिपॉजिट करेंगे ताकि हमें पहले बालों में इवन टोन मिल जाए और फिर उसके बाद हम एक्चुअल कलर की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, हमने पहले क्लाइंट के बालों को एक इवन टोन लेके आने की कोशिश की है, यानी हमने क्लाइंट के बालों में एक कलर डिपॉजिट किया है ताकि जो ये प्री लाइटनिंग वाले बाल है वो थोड़े से ठीक ठाक हो जाए, फिर उसके बाद हमें प्री लाइटनिंग करके कलर डिपॉजिट करना ईजी हो जाएगा। और आज हम ये जो कलर कर रहे हैं 7x7, यानी वेला का जो 7x7 कर रहे हैं, ये हम पूरे बालों पर ग्लोबल एप्लीकेशन करेंगे और इसे हम रखेंगे अराउंड 30 मिनट्स और उसके बाद हमारी एक्चुअल कलर की प्रोसेस शुरू होगी। याद रखिए आपको ये कलर जो है 7x7 ये पूरे बालों को, रूट्स को हल्का सा छोड़ के सारे बालों पर लगाना है और उसे रखना है अराउंड 30 मिनट्स। और जैसे ही आपका ग्लोबल कलर का एप्लीकेशन हो जाता है, हम बालों को शैम्पू वॉश करेंगे और फिर उसे 100% ड्राई करेंगे। आपको याद रखना है बालों को 100% ड्राई करना है और उसके बाद हमारी एक्चुअल कलर एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू होगी। तो दोस्तों अब हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू होने वाली, तो इसकी जो प्रोसेस शुरू होगी वो फर्स्ट होगी प्री लाइटनिंग से। हम यहाँ 20 वॉल्यूम से क्लाइंट के हेयर पर प्री लाइटनिंग करेंगे और प्री लाइटनिंग के लिए हम लोग ने जो ब्लॉन्डर यूज़ किया है वो वेला ब्रांड का मल्टी ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर यूज़ किया है और इसके अंदर हमने वेला प्लेक्स मिक्स किया है ताकि प्री लाइटनर की वजह से या कलर की वजह से बाल डैमेज कम से कम हो। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रेडी है, अब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पतला सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, यहाँ ध्यान से देखिए इस सेक्शन को, आपको इतना ही पतला सेक्शन लेना है और इसके ऊपर आपको हल्की सी बैक कॉमिंग करके थोड़े से बालों को बाहर निकलना है। देखिए किस तरह से आपको बालों को बाहर निकलना है। और यहाँ पर देखिए आप चाहो तो हेल्प के लिए किसी असिस्टेंट को ले सकते हो जो बैक कॉमिंग करके जो बाल रखे उसको होल्ड करके रखे, तो उन्होंने कॉम की मदद से देखो कैसे होल्ड करके रखा है और दूसरी कॉम से मैंने कैसे फॉइल अटैच किया है। और यहाँ पर आपको इस फॉइल को प्री लाइटनर यानी जो बाल आपके हाथ में है उसे ब्लॉन्डर का यानी प्री लाइटनर का एप्लीकेशन करना है। कैसे करना है उसे ध्यान से देखिए।
यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन इस तरह से करना है कि आपको एक इवन लिफ्टिंग मिले। आपको प्रोडक्ट को बरोबर से इमल्सीफाई करना है, प्रॉपरली इमल्सीफाई करना है। यहाँ इमल्सीफाई करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको फटाफट लेना है ब्लेंडर और एप्लीकेशन करना है। आपको प्रॉपर इमल्सीफाई करना है ताकि आपको एक इवन टोन मिले, और फिर फॉइल को एज यूजल रैप कर रखना है। ये सेम पैटर्न से आपको पूरी यानी पूरी टेक्निक आपको इसी पैटर्न से करनी है। यानी आपको ऐसे ही छोटे सेक्शन लेने हैं, याद रखिए क्या करना है, आपको ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उन सेक्शन में से बैक कॉमिंग करनी है, और थोड़े से बालों को बैक कॉमिंग से बाहर निकालना है, और फिर उस पर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर देखिए मैंने अगेन और एक सेक्शन लिया, देखिए कितना छोटा सेक्शन लिया है। आपको ऐसा ही छोटा सेक्शन लेना है और फिर उस पर उस बालों को पहले अच्छी तरह कोम करना है, होल्ड करना है, और बैक कोमिंग करते हुए थोड़े से बालों को बाहर निकालना है। एवरेज आप पकड़ोगे तो आपने जितना सेक्शन लिया है उसमें से 30-50% तक बाहर आपके बाहर निकल जाते हैं, और जो बाल आपके हाथ में बचते हैं उस बालों पर आपको प्रीलाइटनिंग करना है। यहाँ पर आप बहुत अलग अलग वेरिएशन भी टेक्निक यूज़ अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बैक कॉमिंग करने के बाद आप चाहो तो उसमें वीविंग भी कर सकते हो, अगर आपको क्लाइंट के बालों को कम से कम रिजल्ट लेना है। लेकिन आज जो हमारे मॉडल है उन्हें थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक चाहिए, इसके लिए हम लोग इसमें वीविंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बैक कॉमिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए किस तरह से मैं प्रोडक्ट का प्रीलाइटनर का एप्लीकेशन करूँ। आपको भी इसी पैटर्न में या इसी स्टाइल में एप्लीकेशन करना है, आपका कोई भी बाल बचना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। दोस्तों आज का ये जो एप्लीकेशन करने के लिए एक्चुअली मैं हर एक स्टूडेंट यहाँ पे हमारे एकेडमी के स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट ही आज मिलके पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। यानी वही उन्होंने ही बालों को फर्स्ट ग्लोबल कलर किया है, फिर उन्होंने ही बालों को वॉश किया है, प्लस बालों को ड्राई भी किया है, और अब प्रोडक्ट का भी यानी ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन बैक कॉमिंग करके ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन भी स्टूडेंट ही कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हें गाइड कर रहा हूँ या असिस्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से करना है। बाकी जैसे दोस्तों मैंने पहले कहा, आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, सेक्शन में बैक कॉमिंग करके थोड़े बालों को बाहर निकालना है, और फिर बाकी बचे हुए बालों पर आपको प्रीलाइटनिंग करना है। ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन सारे बैक साइड से भी लेने हैं, और सेम आगे से भी, यानी आगे से भी आपको ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं छोटे छोटे, और उसमें बैक कॉमिंग कर प्रीलाइटनर का एप्लीकेशन करना है, और उसे फॉइल में अच्छी तरह रैप करके रखना है। यही टेक्निक आपको सारे बालों पर करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारे सेक्शंस नहीं दिखाने वाला, आपको कुछ सेक्शंस ही दिखाने वाला हूँ। बाकी आप इतने समझदार हो कि आप पूरा समझ जाओगे किस तरह से करना। याद रखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको छोटे हॉरिजॉन्टल अपने सब आपको सबसे पहले बालों को चार सेक्शन में डिवाइड करना, दैट इज सेंटर, प्रोफाइल, रेडियल। फिर आपको शुरू करना है बैक साइड से एप्लीकेशन की, यानी एप्लीकेशन की शुरुआत आपको बैक साइड से करनी है। तो आप को क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं। सबसे पहले याद रखिए आपने एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, से लाइक हाफ इंच का या एक इंच का, और फिर उसमें से आपको क्या करना है, बैक कॉमिंग करनी है। और बैक कॉमिंग करके आपको क्या करना है, थोड़े से बाल अराउंड 30-40% बालों को बाहर निकालना है, और फिर जो आपके हाथ में बाल बचते हैं उन बालों के ऊपर आपको प्रीलाइटनर का एप्लीकेशन करना है। यानी फॉइल में रैप करके प्रीलाइटनर का अच्छी तरह एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए आपके सेक्शनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, आपका बैक कॉमिंग करने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर बैक कॉमिंग का एक मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊँ कि यहाँ पे आपको जो कलर का लुक आता है वो थोड़ा सा ब्लेंडेड आता है। यानी हर एक कलर का बाल जो है वो आपके एग्जिस्टिंग बालों के साथ बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है। इसके लिए बैक कॉमिंग टेक्निक मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू वीविंग टेक्निक।
अब यहाँ पर देखिए हमारे बाल अराउंड 7 to 8 लेवल तक लिफ्ट हो चुके हैं, अराउंड 40 मिनट्स के बाद हमारे बाल 7 to 8 लेवल तक लिफ्ट हो गए। हम इसे लिफ्ट और थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे 9 लेवल तक, और फिर उसके बाद हेयर वॉश करेंगे। ये देखिए हमने लिफ्ट भी किया है बालों को, और बाल 9 लेवल पे लिफ्ट भी हो गया और हमने वॉश भी लिया है। और यहाँ पर हम वॉश करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वॉलेट शैम्पू। वॉलेट शैम्पू से हम हेयर को वॉश करेंगे और यहाँ कंडीशनर नहीं लगाएंगे, और फिर बालों को हम अच्छी तरह ड्राई करेंगे। हम लोग बालों को 100% ड्राई करेंगे, यानी आपको वॉलेट शैम्पू से बालों को वॉश करना है और फिर 100% ड्राई करना है। अब हमारे बाल 100% ड्राई हो चुके हैं, अब हम कलर का एप्लीकेशन करेंगे। जो बाल है सारे बालों पर हम कलर का एप्लीकेशन करेंगे, और यहाँ पर आज हमने तीन कलर यूज़ किया है। हमने वेला ब्रांड के 3 कलर यूज़ किए। ये देखिए इन 3 कलर को, ये 3 कलर है वेला का 10 Stroke 97, दूसरा है 10 Stroke 38, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा बोस्टल कलर ऐड किया, दैट इज़ या स्पेशल मिक्स कलर ऐड किया जिसका नाम है 0 Stroke 33, ताकि हमें थोड़ा सा वार्म लुक भी दिखाई दे, क्योंकि इंडियन स्किन टोन मोस्टली वार्म ज़्यादा होती है, तो हमें थोड़ा सा वार्मनेस दिखाना है या वार्म दिखाना है, तो उसके लिए हमने इसके अंदर 0 Stroke 33 ऐड किया है। और ये जो कलर हम डिपॉजिट करने वाले हैं वो 20 वॉल्यूम से करने वाले हैं, और यहाँ भी हम फ्लेक्स का प्रोडक्ट ऐड करेंगे ताकि कलर के बाद बाल डैमेज कम से कम हो। अब हमारा प्रोडक्ट रेडी है, अब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। देखो आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, रूट से हल्का सा छोड़कर करना है, क्योंकि हमें रूट्स को डैमेज बिल्कुल नहीं करना, इसलिए हम कलर जो अप्लाई करेंगे वो रूट्स को हल्का सा छोड़कर करेंगे। यानी यहाँ पर भी जो कलर का एप्लीकेशन होगा ये ग्लोबल जैसा ही होगा, लेकिन रूट्स पर कलर अप्लाई नहीं होगा। और ये याद रखिए जो हमने कलर यूज़ किया है ये 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ किया है, और यहाँ जो हमारा कलर का और डेवलपर का जो मिक्सिंग रेशियो था वो था 1:1, यानी हमने जितना कलर लिया है उतना ही उसके साथ डेवलपर मिक्स किया है। सिर्फ यहाँ जो कलर डिपॉजिट करने का हमारा जो तरीका है, यानी हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कलर बनाया और फिर कलर डिपॉजिट किया। यहाँ भी दोस्तों याद रखिए आपको प्रोडक्ट प्रॉपर लगाना है और उसे इमल्सीफाई भी प्रॉपरली करना है, ताकि कहीं भी बाल छूट ना पाए। अगर आपका कोई बाल छूट गया तो आपका हो सकता है कलर का रिजल्ट अनइवन आ जाए, इसके लिए आपको प्रॉपरली कलर भी लगाना है और उसे इमल्सीफाई भी प्रॉपर करना है। और जैसे ही आपका कलर का एप्लीकेशन हो जाता है, हम बालों पर ये कलर को रखेंगे ना, इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा हमारा एज यूजल 30 मिनट्स तक हम कलर बालों पर रखेंगे, और उसके बाद शैम्पू कंडीशनिंग करेंगे और स्टाइलिंग करके आपके सामने इसका रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों ये देखिए इस टेक्निक यानी इस कलर टेक्निक का फाइनल रिजल्ट, यानी किस तरह से हमने प्रीवियस कलर हेयर को इस नए कलर में ट्रांसफॉर्म किया है। अगर दोस्तों आपको ये कलर सच में अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर दिल से लाइक भी करें, और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।